अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ युसरा अहमद एंड दिस इज़ आवर यूट्यूब चैनल कुकिंग विद किड्स। आज मैं अपनी मम्मा के साथ किचन में मौजूद हूँ और हम आपके लिए लेकर आए हैं गार्लिक चिकन कढ़ाई। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है। अल्लाह ताला आपके रिजक में इजाफा करे और आपके वसीले से हमारे रिजक में भी इजाफा करे। तो आइए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। गार्लिक चिकन कढ़ाई बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 kg चिकन चाहिए। इसे हमने अच्छी तरह से धो के ड्राई कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के ओनियन, इसे मोटा मोटा काट लिया है। 5 garlic heads, इसको हम साबुत ही यूज़ करेंगे। ये हमारी आज की रेसिपी की स्पेशलिटी है। योगर्ट चाहिए 1 प्याली भर के। हरा धनिया चाहिए 1 bunch। जिंजर 4 से 5 pieces। इसी में इसको हमने मोटा मोटा काट लिया है। 4 से 5 green chili चाहिए साबुत। 3 टमाटर चाहिए बड़े साइज़ के। ये सब चीज़ें हमने मोटी मोटी काटी हैं। स्पाइसेस में हमें जो चाहिए, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, हल्दी पाउडर 1 teaspoon, साल्ट चाहिए 1 tablespoon, पिसा हुआ धनिया 1 tablespoon, चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, ज़ीरा चाहिए 1 teaspoon, साबुत धनिया 1 teaspoon, पिसा हुआ गरम मसाला 1 teaspoon, कड़ी पत्ता चाहिए 2 अदद। और हमें पकाने के लिए 1 प्याली घी चाहिए। अब हम अपनी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लेंडर लेंगे और ये सब चीज़ें ब्लेंडर में डाल देंगे। सबसे पहले ओनियन डालेंगे, ये सब चीज़ें भी हम ग्राइंडर में डालेंगे। ये सब स्पाइसेस भी हम इसमें डालेंगे और कड़ी पत्ता नहीं डालेंगे। इसे हम साइड पे कर देते हैं। सबसे अहम चीज़ इसमें सौंफ है। सौंफ हमें चाहिए 1 tablespoon। ये सब मसाले भी हम ब्लेंडर में डालेंगे। अब सबसे लास्ट पे हम ऐड करेंगे योगर्ट। अब हम इन सब चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे और इनकी ग्रेवी बना लेंगे। अब हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और इसको भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारी पेट अच्छे से रेडी हो चुकी है। हमने एक पैन में घी ऐड किया है। अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, साथ ही हम चिकन ऐड करेंगे। हमने इसे तेज आंच पर फ्राई करना है, लो आंच पर नहीं करना, क्योंकि लो आंच पर करने से चिकन अपना पानी छोड़ता है। अगर हम इसे हाई फ्लेम पर करेंगे तो ये जल्दी ड्राई हो जाएगा और एक अच्छी लुक भी देगा। ये जो 5 garlic head है, ये इसको भी हम साथ ही फ्राई करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने गार्लिक साबुत क्यों ऐड किया है। इसकी वजह ये है
चिकन फ्राई है और इसके छोटे दे इसी नए हैं। हम इसमें चम्मच ज़्यादा नहीं चलाएंगे क्योंकि ज़्यादा चलाने से गार्लिक हेड टूट जाएंगे। इस रेसिपी की खूबसूरती इस बात में है कि गार्लिक हमारा साबुत रहना चाहिए। ये जो हमारा मिक्सचर है अब हम इसमें ये ऐड करेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। वाओ माशाल्लाह खुशबू तो ज़बरदस्त आ रही है। अब हम इसमें चम्मच हिलाना बंद करेंगे और इसको कवर करके इसका फ्लेम मीडियम करेंगे और इसे जब तक कुक करेंगे जब तक ये गल ना जाए। अब हम इसे कवर करेंगे। अब हम अपनी रेसिपी चेक करते हैं। अभी हम इसको मज़ीद 10 मिनट तक पकाएंगे। हम इसको चेक कर लेते हैं। वाओ माशाल्लाह इसका पानी जो है हो चुका है और गार्लिक हेड्स भी अच्छे से गल चुके हैं। जिन लोगों को गार्लिक पसंद है उनके लिए ये रेसिपी एक तोहफा है। आज की ये रेसिपी मैं अपनी मम्मा को डेडिकेट करूँगी क्योंकि मेरी मम्मा को गार्लिक बहुत पसंद है। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे। वाह हमारी मज़ेदार कढ़ाई तैयार है, गार्लिक चिकन कढ़ाई। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। मैं आपको प्रेजेंट करने का भी तरीका बताऊंगी कि इस स्पेशल रेसिपी को कैसे प्रेजेंट करना है। सबसे पहले हम गार्लिक हेड निकाल लेंगे। क्योंकि ये इतने गल चुके हैं ये टूट जाएंगे। ये देखिए हमने सारे गार्लिक हेड निकाल लिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस पे हम हरा धनिया गार्निश करेंगे। माशाल्लाह हरा रंग कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जो गार्लिक हेड है अब हम इसको प्यार प्यार सजाएंगे। एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे। एक इस कोने पे रखेंगे और लाट सोला हम यहाँ पर सजाएंगे। वाओ ये कितना खूबसूरत लग रहा है। जब आप इसे खाएंगे तो गार्लिक हेड में से एक एक गार्लिक निकालेंगे और हर बाइट के साथ उसे खाएंगे। गार्लिक का टेस्ट बहुत यम्मी लगता है। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।